नमस्कार, फिर से आप लोगों का स्वागत है इस चैनल पर। आप लोग ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं दीपक फिर से आप सबों के बीच हाजिर होता हूँ। जैसे कि पिछले सेक्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल का प्रकार, तो हम लोग को 10th में पॉलिनोमियल के घात के अनुसार पढ़ना है, किस केवल यानी कि घात के बारे में जानना है। पद के बारे में हम लोग 9th पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, पद के अनुसार और घात के अनुसार। तो घात के अनुसार यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल के जीरो के बारे में जानना है, यानी मूल, यानी पॉलिनोमियल का मूल क्या होता है। जैसा कि घात के अनुसार बहुपद के तीन वर्गों में बांटा गया है, एक रैखिक बहुपद यानी लीनियर में, द्विघात बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यानी कि बहुपद के घात, उसके बाद फिर पढ़ेंगे यानी कि बहुपद के घात यानी होते क्या हैं। तो यानी कि बहुपद में जो मैक्सिमम यानी किसी चर के ऊपर जो सबसे अधिकतम घात होता है, उसे ही हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ चेक 4x² + 3x + 5x³ - 3 में बहुपद का घात क्या होगा। तो यहाँ जानना है कि सबसे ज्यादा घात किस में, चर यहाँ क्या है एक्स, सबसे ज्यादा घात क्या है तो 3, तो बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग यानी कि रिलेशन पढ़ेंगे जीरो, यानी कि बहुपद में जो होता है चर मतलब घात के अनुसार, तो उसमें घात के अनुसार जो बहुपद को तीन वर्गों में बांटा गया, उनमें जो जीरो का रिलेशन होता है, जीरो और कोएफिशिएंट का जो रिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट में होता है रैखिक बहुपद, इसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, लिनियर पॉलिनोमियल, ठीक ना। इसका फॉर्म क्या होता है, यानी इसको हम लोग किस स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म यानी को होता है ax + b, क्या होता है ax + b, वेयर यानी जहां जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। और x क्या होता है, x वेरिएबल होता है, x क्या होता है वेरिएबल, और a और b क्या होता है यानी कि संख्यात्मक मान होता है, ठीक ना। तो इसमें जो शून्यक हम लोग निकालेंगे, तो इसका रैखिक बहुपद का शून्यक होगा यानी x बराबर, ठीक ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक ना, इसको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट आता है हम लोग द्विघात बहुपद, एक बात और ध्यान रखना है कि जिस बहुपद के जितने भी घात होंगे उसका शून्यक ही उतना भी होगा, यानी कि द्विघात बहुपद के कितने शून्य को, दो, रैखिक बहुपद में घात कितना होता है एक, यानी उसका शून्यक भी कितना होगा एक, तो द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c, जहां a ≠ 0, ठीक ना, a = 0 नहीं, अगर a 0 होगा तो ये फिर रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि a = 0 तो यानी ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, bx + c यानी x यानी घात कितना बचेगा, इसलिए a = 0 नहीं होना चाहिए। a, b और c क्या होगा, a और b और c क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और x जो होगा यहाँ क्या होगा, वेरिएबल होगा। समझ में, जब इनका हम शून्यक निकालेंगे, ठीक ना, जब इनका शून्यक निकालेंगे तो इसमें दो शून्यक होगा, एक होता है दो शून्यक होगा, एक अल्फा एक बीटा। मान लीजिए दो शून्यक द्विघात बहुपद का, अगर दो शून्यक द्विघात बहुपद का यदि दो शून्य अल्फा और बीटा हो, तो जो रिलेशन होगा किसमें,
शून्य को यानी जीरोज और जीरोज और वेरिएबल में जो रिलेशन होगा तो वो ये होगा, यानी शून्यकों का योग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो, शून्यकों का योग जो होगा क्या होगा, माइनस बी बटे ए। माइनस बी क्या होगा यानी अभी बताएंगे, यानी कि माइनस बी होगा यानी कि माइनस एक्स का गुणांक, गुणांक मतलब समझ में आ रहा है, इसको कोएफिशिएंट बोलेंगे, अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, उसके बाद आ जाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी इसका हो जाएगा सी बटे ए, इसका मतलब होता है अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक ना, अचर पद मतलब ध्यान रखना है, द्विघात बहुपद में अगर दो शून्य अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योग जो हम रिलेशन बनाएंगे तो शून्यकों का योग होगा माइनस बी बटे यानी एक्स का गुणांक। सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर हमको इसको शून्य निकालना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी बहुपद को किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब समझ में आता है, यानी घात को या तो आरोही क्रम में सजाएंगे या तो फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे, समझ में आ रहा है ना, असेंडिंग या डी असेंडिंग ऑर्डर, यानी घात को ज्यादातर डी असेंडिंग ऑर्डर में ही सजाएंगे तो अच्छा होगा, जैसे कि यहाँ दो पावर है फिर एक पावर, यहाँ कुछ नहीं पावर जीरो। ठीक ना, समझ में आ रहा है, ये सजा लेंगे उसके बाद इसको, यानी शून्य का योग होगा शून्य गुणनफल। तो इसके बारे में हम लोग अब द्विघात बहुपद का जो रिलेशन है कैसे शून्य निकालेंगे, फिर इसको इसका जो यानी इस शून्यकों और गुणांकों के बीच जो रिलेशन होगा उसको भी अब बनाने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर का जितना भी क्वेश्चन है सब पहले क्या करना है देख लेना है। सिर्फ फर्स्ट नंबर सवाल है, क्वेश्चन देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ फाइंड द जीरो ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट, यानी कि मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये जितना भी द्विघात बहुपद दिया हुआ है, हिंदी मीडियम वाले देखेंगे, यानी जितना भी द्विघात बहुपद है इन सब का सबसे पहले क्या निकालना है, जीरोज निकालना है, जीरो मतलब शून्य निकालना है। ठीक ना, क्या निकालना है, शून्य, शून्य निकाल के फिर क्या करना है, शून्य निकालने के बाद शून्यकों और शून्यकों और जिसका कोएफिशिएंट है यानी गुणांकों के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, यानी इसको रिलेशन बैठाना। तो पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, समझ में आ रहा। तो आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे कि यानी पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को यानी फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया जाता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, यानी इसको क्या किया जाता है, दो भाग में बांटा जाता है जिसको गुणा करने के बाद, ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म की जो गुणनफल आता है उसको आना चाहिए और जोड़ने या घटाने के बाद क्या होना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो इतना ध्यान नहीं रखना है जोड़ने या घटाना, इसको ध्यान नहीं रखना है, क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, कितना आया, माइनस एट। तो चीज देखना है, अगर माइनस आया तो यानी कि यहाँ माइनस करने के बाद माइनस टू आना चाहिए, अगर प्लस आएगा यहाँ फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर प्लस आया तो हम लोगों को क्या होना चाहिए, यानी कि प्लस करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए, समझ में आ रहा है, ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस आया तो मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि माइनस करने के बाद ये बचना चाहिए, अगर प्लस आया फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये ध्यान रखना है कि मिडिल टर्म को ऐसा करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद वो आना चाहिए प्रोडक्ट, और प्लस में आ रहा है तो प्लस करने के बाद मिडिल टर्म आना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अब है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, तो फर्स्ट टर्म क्या है मान लेते हैं वन, लास्ट टर्म कितना है एट, वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा एट, वन को एट से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा एट, और माइनस में है तो क्या रखना है यानी माइनस एट आ रहा है, यानी कि यहाँ क्या तोड़ना होगा मिडिल टर्म को, यानी ऐसा तोड़ना होगा कि माइनस में आए, माइनस में करने के बाद कितना आना चाहिए टू और मल्टीप्लाई करने के बाद एट, तो यहाँ देख लेते हैं माइनस फोर एक्स है ना, तो माइनस में दो में
चार में कितना घटाने, घटाने के बाद बोल रहे हैं चार में कितना घटाएंगे, दो, तब आएगा कितना, चार दूना आठ, और चार में से दो गया तो कितना, दो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस दो एक्स माइनस आठ, फिर यहाँ एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस फोर, प्लस टू कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर, और ध्यान रखना है कि बीच वाला हमेशा इक्वल होना चाहिए, तो एक्स माइनस फोर हो जाएगा एक, और दूसरा कितना हो जाएगा एक्स प्लस टू, समझ में आया। अब यहाँ देखना है जीरो, जीरो निकालना ना, तो एक बार कितना होगा, जीरो जब निकालना है तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा या तो ये, तो एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, या तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर, और एक्स इज इक्वल टू माइनस टू, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इजिकल टू कितना होगा, एक फोर आया और एक माइनस टू, क्या ध्यान रखना है, यानी कि शून्य एफ एक्स का, दो शून्य एफ एक्स का, शून्य कितना आया फोर और माइनस टू, कितना आया फोर एक्स, फोर और माइनस कितना टू, ध्यान है फोर और माइनस टू। अब क्या निकालना है, हम लोग को रिलेशन करना है, रिलेशन निकालना है, शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरो ने हिंदी, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, हम लोग क्या बोलेंगे, यानी चार प्लस माइनस दो कितना होगा, माइनस सिक्स, नीचे कुछ नहीं तो हाँ, यानी कितना हो जाएगा टू, चार माइनस टू कितना हो जाएगा टू, नीचे कुछ नहीं हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, माइनस किसका गुणांक, किसका गुणांक है ये, एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक ना, एक्स का गुणांक, समझ में आ रहा है, लिख लीजिएगा धीरे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, हाँ यानी नेक्स्ट देखना है शून्य, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ जीरो, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणन फल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी चार मल्टीप्लाई टू यानी माइनस एट, नीचे कुछ नहीं तो कितना वन, इसको क्या बोलते हैं, अचर पद ना, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणा, क्या समझ में आया। अब यहां देखना है शून्यकों का एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक टू है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, तो कोफिशियंट मतलब समझ में आ रहा है ना, इसका कुछ नहीं आगे नहीं, टू एक्स का गुणांक कितना हुआ माइनस टू, अचर पद कितना है माइनस एट, इसी तरह यहाँ अचर पद कितना है माइनस एट, एक्स स्क्वायर गुणा कितना है वन, समझ में आ रहा है, ध्यान आगे सवाल बन जाएगा। तो आप लोग लॉकडाउन का पूरा मजा उठाइए और इन सब सवालों को करने के प्रयास करें, जो ना हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वो फिर हम दोबारा बता देंगे, ठीक ना, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो आप हमसे, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक ना, या तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जो सवाल ना हो वो हमसे पूछें।